दस सेकंड और रुक जाओ, ये शास्त्रों में जो भी नाम आए हुए हैं किस आधार पर नाम पड़े, काम के आधार पर नाम पड़े, तो नाम पड़े दैत्य और देवता, देव देव और दैत्य। जो देव है वो देने वाला होगा या लेने वाला होगा? देने वाला होगा। और देने वाला जो होता है वो नियमानुसार कभी खूटता है या अखूट रहता है? हैं? अखूट रहता है। क्यों? इसलिए अखूट रहता है कि वो कभी खंडित नहीं होता। खंडित न होने के कारण भरपूर रहता है। जो खंडित हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उन खंडों को टुकड़ों को दूसरे लूट ले जाते हैं, तो कमजोर पड़ेगा या ताकतवर रहेगा? कमजोर हो जाता है। उन कमजोरों का नाम रखा गया है दैत्य। क्यों दैत्य नाम रखा गया? क्योंकि वो सदैव आपस में ही झगड़ने लग पड़ते हैं। प्योरिटी न होने के कारण यूनिटी सदैव के लिए बन करके नहीं रह पाती। जो दैत्य होते हैं वो एक दूसरे में अपना सुर में सुर मिलाकर नहीं रख पाते हैं। एक एक बात कहेगा तो दूसरा खंडनात्मक दूसरी बात कर देगा, इसलिए उनको असुर कहा जाता है। क्या कहते हैं? असुर। और देवताओं को सुर, उस सुर में सुर मिला करके चलते हैं। प्योरिटी होने के कारण ये सुर या असुर कहो, दैत्य या देवता कहो, इनका कोई कारण भी होगा है? इनकी कहीं से पैदाइश होती होगी या नहीं होती होगी है? इनकी पैदाइश भी होती है। पैदाइश धरणी से होती है और धरणी का असर पैदा होने वाले के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो जो धरणी रूपी कन्या माता है उनके ऊपर बात आ जाती है। सृष्टि की शुरुआत की प्रक्रिया में दो माताओं का नाम आया, एक का नाम दिति और एक का नाम आदिति। बड़ी कौन होगी
और छोटी कौन होगी? है दीति, बड़ी का नाम, और आदिति छोटी का नाम। ज्यादा दादागिरी कौन दिखाएगी? क्योंकि सारी इसी दुनिया की तो बातें हैं, तो जो बड़ी होती है वो दादागिरी बहुत दिखाती है। यहाँ भी दादा प्रसिद्ध है। क्या नाम दिया? बाप और दादा। तो दो रानियां हुई, दीति और आदिति। उन दोनों रानियों का कर्ता धर्ता पति एक ही दिखाया गया है, उसका नाम है काश्यप। क्या? कश्य से बना है काश्यप। कश्य माने तेज। जिस कश्य से बनता है काशी, जिसने याद का तेज सबसे जास्ती पिया, उसका नाम पड़ा कश्यप। तो वो है बीज रूप बाप। जिसको दो पत्नियां दिखाई गई हैं शास्त्रों में, बड़ी रानी दीति से हुए पैदा दैत्य और छोटी रानी अदिति से पैदा हुए आदिति से अद्वैत। दैत्य कहो दैत्य कहो, बात एक ही हो जाती है। जो द्वैत फैलाते हैं वो हैं द्वैत दैत्य, और जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, द्वैत नहीं फैलने देते हैं, सहन शक्ति धारण करके एक रहने की कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो हैं अद्वैत। अर्थात एकता में रहने वाले देवता। तो दो प्रकार की धरणी हो गई। संगम युग में ही दोनों प्रकार की धरणियां मौजूद है। कौन कौन सी? आदिति जो खंडित नहीं होती, और दीति माने खंडित हो जाती है। तो खंडित होने के कारण टूक टूक हो जाती है। कितने धर्म खंड हो जाते हैं धरणी के? है सात तो महाद्वीप ही है बड़े बड़े, और छोटे छोटे द्वीप तो पता नहीं कितने हैं। तो पृथ्वी खंडित तो हो गई। ये खंडनात्मक बीज कब पड़ता है? द्वैतवादी युग से पड़ता है, और जिसमें ये बीज पड़ता है उसे पृथ्वी कहा जाता है। क्या? पृथिव्याति, जो विस्तार को पाती रहती है वो है पृथ्वी। भारत को पृथ्वी कहेंगे? है भारत को पृथ्वी नहीं कहेंगे। जिसे भारत माता तो कहा जाता है,
पृथ्वी माता तो कहा जाता है, लेकिन वो माता भारत माता और ही क्रश होती जाती है या फैलती जाती है, है? और ही क्रश होती जाती है। कहते हैं पहले भारत, आसपास के जितने छोटे मोटे देश हैं वो सब भारत में ही थे, और अब भारत खंड खंड हो गया। तो भारत माता कुंवारी कन्या के रूप में उसका गायन है। क्या गायन है? कन्याकुमारी। और पृथ्वी माता माता के रूप में गायन है, और माता का ही रूप दिखाया गया है। जिसे दिति नाम भी दिया गया है शास्त्रों में। खंडनात्मक वृत्ति होने के कारण वो कश्यप का हर बात में विरोध करेगी या सामंजस्य करेगी? बात बात में विरोध पैदा होता है। अब जो पैदा करने वाले दो हैं, जनक कहे जाते हैं, जन्मदाता कहे जाते हैं, उनके अंदर ही अगर विरोधाभास है तो जो पैदा होने वाले हैं उनमें विरोधाभास होगा या नहीं होगा? उनमें भी जरूर विरोधाभास होता है। वो आपस में तो विरोध करते ही हैं, लेकिन देवताओं का भी बहुत विरोध करते हैं। इसलिए दैत्य कहे जाते हैं। और जो देवात्माएं हैं वो कितना भी प्रयास करती है कि हम अद्वैत बन करके रहें, फिर भी हुजूम के सामने वो अपने वायुमंडल को स्थिर नहीं कर पाती। दुनिया में द्वैतवादियों की संख्या अति में चली जाती है और अद्वैतवादियों की संख्या मुट्ठी भर रह जाती है, प्राय है लोप। तो प्रश्न का समाधान हुआ? लेकिन इसमें गलती किसकी है बाबा? है जो आंसू पैदा होते हैं तो माता की या पिता की? अरे पिता है, वो तो बीज है। बीज पथरीली धरणी में डाला जाएगा तो पैदा होगा? नहीं होगा। भुरभुरी धरणी में डाला जाएगा तो पैदा होगा। जैसी धरणी होगी वैसा बीज फलदाई होगा। इसलिए कहावत है, माता अगर अच्छी हो, गृहिणी अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए। अगर गृहिणी में कोई दूषण आ जाता है तो घर नरक बन जाता है। इसलिए सारी जिम्मेवारी भगवान आता है तो किसके ऊपर रख देता है? तुम ही संभालो, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। मुख से ये बोलते हैं ना, सन्यासियों ने किया सारा सारा गड़बड़ किसने किया? रावण कौन है? ये सन्यासी गुरु लोग, विद्वान आचार्य। और रामायण या महाभारत में सात व्यक्ति चिरंजीव आए हैं, सात व्यक्ति जिनको मृत्यु नहीं। रामायण महाभारत में
सात व्यक्तियों को मृत्यु नहीं सात चिरंजीव आए हैं चिरंजीव हनुमान गिरिचरण कृपाचार्य परशुराम है तो क्या इसकी विशेषता है कि जो चिरंजीव गाय है मृत्यु नहीं हमार गाय ग्रह कितने हैं नवग्रह है नौ ग्रहों में तुमको नाम कितने कितने के याद है अरे काम होगा तो नाम भी होगा कि नहीं होगा तो काम के नौ में कितने हैं जिनका नाम गाया हुआ है भूल गए है अरे सात बार है ना रविवार से लेकर शनिवार तक ये सात ग्रह हैं सात नारायण समझो सप्त ऋषि समझो सप्त महाद्वीप समझो सप्त सागर समझो ये खत्म होने वाले हैं क्या ये खत्म होने वाली चीज नहीं है हाँ अपने को मर्ज कर देते हैं और द्वापर युग से इमर्ज हो जाते हैं इमर्ज तो वास्तव में सतयुग में भी हो जाते हैं पहला नारायण 16 कला संपूर्ण कृष्ण के बाद जो भी नारायण आते हैं वो सतयुग में इमर्ज हुए कि नहीं हुए है इमर्ज हुए लेकिन वहां देवी देवता सनातन धर्म में मर्ज होकर के रहते हैं अलगाववादी नहीं हो पाते हाँ जब उन्हें कोई मिलता है ऐसा पावरफुल संग देखते हैं कि ये बड़े पावरफुल आए तो जीव से लार टपक पड़ती है वो पावरफुल आत्माओं का साथ लेते हैं और जो कई जन्म लेकर के आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्माएं नीचे गिरती हैं उनका साथ छोड़ देते हैं इसलिए बताया कि राम के लिए बोला है कि इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा वो बाली को मार सकता है तो तार की तरह इस दुनिया में ऊंचे बन करके खड़े होने वाले कितनी आत्माएं हुई सप्त ऋषि कहो सप्त महाद्वीप कहो सप्त सागर कहो ये सात ग्रह हैं बाकी दो तो फिर बाद में प्रसिद्ध होते हैं उनका कोई ज्यादा नाम और काम नहीं है और माया रावण हाँ हाँ क्या पॉइंट आया माया रावण के प्रति क्या आया क्या ढेर सारी कथाएं हैं कौन सी कथाओं की बात कर रहे हैं सारी कथाएं उघाड़े बैठ के क्या माया का नाम आया था तो क्या हुआ रावण का आया था हाँ हाँ तो माया का नाम अरे आपकी समझ में क्या बात नहीं आई सो बताओ क्या माया की कथा और रावण की कथाएं बैठ करें क्या चाहते हैं आप हाँ हाँ
माया का नाम पहले से बोले वो अभी तो बता दिया जो आकर्षण क्रिएट करने वाली है वो कौन है, है? माया हर हाँ गॉड फादरली यूनिवर्सिटी हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, अभी आपकी दृष्टि में हुआ ही नहीं है, है? अंत में हो जाएगा, अभी नहीं मानेंगे है, अभी आप नहीं मानेंगे है? अंत में हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, अभी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई, तो कह रहे हैं कि अंत में हो जाएगा तब हम मान लेंगे। हाँ अरे एक बात तो पूरी हो जाने दो, उनकी बात पूरी नहीं हुई। अरे क्या पूछ रहे थे, है? है? अच्छा चलो आगे बोलो। हर एक को पहले ही क्लियर कर रहे होंगे क्या, है? जो द्वादश में से पहले एक मुख्य होगा या ग्यारह मुख्य होंगे, है? एक अगर क्लियर हो जाएगा तो बाकी ग्यारह भी क्लियर हो जाएंगे। ग्यारह रुद्रगण गाए हुए हैं शास्त्रों में, शिवलिंग कहे जाते हैं, क्या शंकर लिंग नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवलिंग। ग्यारह ही विशेष गाए हुए हैं, उन ग्यारह में वो रौद्र रूप धारण करने वाला एक विशेष रूप से प्रवेश होकर के कार्य करता है। ऐसे नहीं कि उन ग्यारह में शिव प्रवेश करता है, नहीं, ग्यारह में कौन प्रवेश करता है विशेष रूप से, है? जो रौद्र रूप धारण करने वाला है, रुद्रावतार, वो ग्यारह रूप और धारण करता है, इसलिए द्वादश लिंग गाए हुए हैं। और सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं उन बारह बीजों में बटे हुए हैं। कौन से बारह बीज? दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो बारह ग्रुप में बटी हुई हैं, राशियां। हर मनुष्य मात्र के ही कोई न कोई एक राशि होगी, उस राशि से कनेक्टेड होगा, ज्यादा नहीं है। तो सारी दुनिया कितने ग्रुप में बटी हुई है? बारह ग्रुप में। और द्वादश माने बारह है, दो और ऐड किए गए दस में द्वादश, तीन ऐड किए गए त्रयोदश, चार ऐड किए गए चतुर्दश। ये तो भाषा है, भाषा में वो गिनती को कैसे स्पष्ट करें वो तरीका बताया।
और पार्वती होती ना, एक पुत्रों को जन्म देती, माना शंकर शंकर भगवान से वो पुत्र जो है झगड़ा करता है कार्तिकेय, पार्वती जन्म देती है कार्तिकेय को। एक पुत्र होता है ऐसा कैसा वो शंकर जी भगवान से झगड़ा करता है ना, उनका झगड़ा होता है तो उसने उसका चीज काट देता है वो गणपति का। गणेश पार्वती पुत्र कहा जाता है, हाँ। माना हाँ, वाह माना देवी देवता ही रहते 5-25, फिर भी उनके सामने वो चीज आसुर लेके चले जाते हैं। उसका जो चीज होता है ना इसका गणेश जी का, हाँ, तो इतने देवी देवता होने के बाद भी उसका चीज चुरा के लेके जाते आसुर। इसका हाथी का गणपति का गणपति का काट दिया जाता है ना, शंकर भगवान काट देता है। हाँ हाँ, तो चुरा के लेके जाते, हाँ, तो लेके चले जाते हो क्या? जो सिर होता है उसमें मनुष्य आत्मा थी या जानवर की आत्मा थी? पार्वती ने जो पुत्र पैदा किया भले मैल माटी से पैदा किया, क्या जो पूर्वजन्म के पाप कर्म हैं वो क्या है? मैल माटी है। स्नान करने से पहले क्या करते हैं? मैल माटी छुड़ा देते हैं। तो ये भी ज्ञान स्नान है। वो ज्ञान स्नान पूर्ण होने से पहले वो मैल माटी सारी छुड़ाई और उस मैल माटी से जो पैदाइश हुई उसका नाम रखा, बाद में रखा गया गणेश। लेकिन वो पुत्र तो पैदा हुआ ना, वो पैदाइश श्रेष्ठता की पैदाइश है या मैल माटी की पैदाइश है? मैल माटी की जो पैदाइश है उसके ऊपर अधिकार असुरों का होगा या देवताओं का होगा? तो असुर ले गए। काय के मंदिर, शनि मंदिर में और कार्तिकेय के मंदिर में माताओं को जाने नहीं देते? अरे माताएं बहुत इच्छा करती हैं कि जो 6 मुंह से बातें करता है हम भी तो देखें वो सच्चा है कि झूठा है, हैं? जिसका जानवर जैसा मुंह है थोड़ा दर्शन तो कर ले, हैं? देवताओं के दर्शन में तो उतना मजा नहीं आएगा। तो माताओं को वर्जित कर दिया। क्या वर्जित कर दिया, हैं? ऐसे का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, कैसे का है? जो झूठा हो, जानवर बुद्धि हो। जानवर का अगर मुंह देखते रहेंगे तो जानवरियत के संस्कार हमारे अंदर भी आ जाएंगे कि नहीं, है? और ज्यादा संग का रंग कन्याओं माताओं के ऊपर पड़ता है कि भाइयों के ऊपर पड़ता है? इसलिए मना कर दिया। हनुमान के लिए भी मना करते हैं, करते हैं कि नहीं, हाँ। उनका भी मुंह कैसा है? बंदर जैसा है। बंदर का मुंह देखता रहे सुबह से शाम तक, बंदर की बातें करता रहे, बंदर की कथा कहानियां सुनता रहे, बंदर के आचरण बुद्धि में लाता रहे, तो कर्म कैसे करेगा, है? हाँ, उसे घड़ी घड़ी बंदरपना सूझेगा, हम भी ऐसे ही करें। इसलिए मना कर दिया। और गणेश जी का तो जानवर मुंह क्या है?
गणेश जी का भी तो जानवर का मुख है। हाँ हाँ, तो उनके पास मना नहीं है, है? उनके पास जाने के लिए मना नहीं है, उनके पास जाने के लिए मना नहीं है, सभी पूजा करते हैं, सभी करते हैं। अरे गणेश जी ने सबसे बड़ा जघन्य अपराध कर दिया जो देवी देवता सनातन धर्म के विरुद्ध है। बताओ कौन बताएगा? कहेंगे बंबई वाले तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम तो उसके भगत हैं, हैं हम उसकी उसकी बुराई क्यों करें, हैं? वो तो हमारा सदगुरु है, सदगुरु निंदक छाउर न पावे, हैं? तो अच्छी बात है, जब जो पिता है उसका पहला फर्ज है माता की रक्षा करना, तो जब पिता मौजूद नहीं है तो माता की कौन रक्षा करे, किसका फर्ज है? जो बाप का फर्ज है तो बच्चे का फर्ज, उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, ये तो हर बच्चे को करना चाहिए, ये खराब बात नहीं है। वो बात बताओ जो गणेश जी के जीवन में देवी देवता सनातन धर्म के विरुद्ध साबित होती है, है? गीता का भगवान कहाँ से घुस पड़ा, है? है? गणेश जी शंकर भगवान माना पार्वती माँ स्नान कर रही थी तो शंकर भगवान को अंदर जाने में गया। वो तो अच्छा किया, हम क्या जाने तुम कौन हो? हाँ हाँ, हम क्या जाने तुम कौन हो, कोई भी आ सकता है। हाँ, जघन्य अपराध ये हुआ देवी देवता सनातन धर्म के विरुद्ध कि गणेश जी ने मात पिता के लोक को त्याग करके अलग गणेश लोक बना लिया और वहां रहने लगे। ये देवी देवता सनातन धर्म के विरुद्ध परिवार को खंडित करने वाली बात हुई या एक सूत्र में बांधने वाली बात हुई? खंडित हो गया। और क्योंकि साथ में रहेंगे तो वो आव भगत नहीं होगी जो बाप की होती है, और अलग रहेंगे, अलग लोक बनाएंगे तो उस लोक का स्वामी कौन? गणेश भगवान। तो भगवान की उपाधि मिल जाएगी। और हाँ, क्या 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 है, है? हाँ, राम तो भगवान कहा गया है, कहा गया कि नहीं? तो भगत समझते हैं भगवान तो सब कुछ जानता है, हैं? तो माता भी कहती है राम तो सब कुछ जानते थे, क्या ये वास्तविकता है कि राम सब कुछ जानता है, साकार सब कुछ जानता है, या जो निराकार है उसमें कार्य करने वाला वो सब कुछ जानता है? निराकार सब कुछ जानता है, साकार तो तब जानेगा जब सीताएं अपना पोता में लिख करके देंगी। वो बहिर्यामी है या अंतर्यामी है? तो बहिर्यामी है, बाहर की एक्ट से, बाहर की चलन से, बाहर की वाचा से पहचान लेगा ज्ञान की दृष्टि से कि ये ऐसा हो सकता है, होगा, बाकी अंतर्यामी नहीं है, जानी जानना हार नहीं है। इसलिए मुरलियों में भी बीसियों बार आता है मैं जानी जानना हार नहीं हूँ। और हैं? बिंदुसार और शुद्धोदन,
दोबारा जन्म लेते हैं तो उनका नाम क्या पड़ता है? ये तो पार्ट को प्रत्यक्ष करने वाली बात हो गई। ये तो जो बिंदुसार होगा और जो शुद्धोदन होगा वो ही अपने पार्ट का मंथन करेगा और वो ही पहचानेगा, वो ही बताएगा। हम तो बिंदुसार हैं ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे? हाँ समझा? भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि पिता जब जन्म देता है काशी यात्रा करने से क्या चुप्पू होता है? है पितृ कर्म चुप्पू हो जाता है माने बच्चा पैदा होने के बाद। है बच्चा जब पैदा होता है तो पिता तीन बार काशी यात्रा करे बच्चा तीन बार काशी यात्रा करे तो पिता मरे या जिंदा रहे उससे ऋण हो जाता है। जिंदा ही में अच्छा पिता मर जाए। अच्छा ये कहावत है भक्ति मार्ग में कि किसी बाप को बच्चा पैदा होता है और वो बाप शरीर छोड़ दे तो बच्चा तीन बार काशी यात्रा करे है? तब पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। नई नई बातें निकल रही। माता के लिए क्या करें? है माता के लिए क्या करें? अरे पिता के अंदर माता समाई हुई है कि नहीं? आज की माताएं अपने को अलग करके समझती हैं। पार्वती शंकर में समाई हुई है या नहीं समाई हुई है? हृदय में नहीं समाई हुई है, समाई हुई है पार्वती में, शंकर समाया हुआ है। हाँ प्रसंग अंदर कर देते हैं। हाँ वो बात थी कौन सी कि बच्चा तीन बार काशी यात्रा करे तब ऋण होता है। बाप का बच्चा है, है? हाँ तीन बार यात्रा करने से वो दोष झड़ जाते हैं। हाँ मतलब ये हुआ कि ज्ञान में कोई आते हैं तो ज्ञान में आने वाला बाप को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? है पहचानता है। और जब बाप को पहचानता है तो जो बाप को पहचानने वाली आत्मा है वो बाप के घर तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? जन्म लेने के लिए पहुंचती है। और बाप जहां अपना घर बसाए बैठा है वो कौन सा शहर माना जाता है? बनारस, काशी नगरी। माना एडवांस में वो काशी नगरी बहुत पुरानी है, कोई नई आई हुई नहीं है। तो जो भी आवेगा बाप का बच्चा बनेगा, काशी नगरी में जन्म लेगा। अब जन्म लेने मात्र से ही पाप मुक्त हो जाते हैं क्या? है नहीं होते हैं?
सिर्फ जन्म लेने मात्र की बात नहीं है, जन्म लेने के साथ साथ जो बाप का बच्चा है वो काशी को भी समझे, जाने, पहचाने और काशी नगरी जो है वो दुनिया से कैसी है, हैं? अलग है, न्यारी है। कैसे न्यारी है, हैं? हिरण्याक्ष राक्षस जब उसे पाताल में गड्ढे में ले जाता है तो काशी नगरी गड्ढे में नहीं जाती है, सारी पृथ्वी गड्ढे में जाती है, पृथ्वीवासी गड्ढे में जाते हैं, लेकिन काशीवासी और काशी नगरी चिटक जाती है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुछ आत्माएं हैं जो जन्म तो लिया बाप के घर में, लेकिन जन्म लेने के बाद वो गड्ढे में जाने से अभी तक भी बची हुई है। बुद्धि रूपी धरणी में उस माता को पहचाना हुआ है। कौन सी माता को? जो काशी नगरी कही जाती है, उसके प्रति मात्र भावना है। कोई की जगदम्बा के प्रति विशेष मात्र भावना होती है, कोई की भावना लक्ष्मी की प्रति विशेष होती है, लेकिन जो असल सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो किसको पहले पहचानती है, है? सूर्यवंशी होंगी तो जहां से सूर्यवंश का उदय होता है उस माता को पहले पहचानेगी। ये पहचानना बुद्धि रूपी धरणी में बार बार चक्कर काटना होता है, बार बार याद आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो ये दूसरा जन्म हो गया, फाउंडेशन पड़ गया। और जब बुद्धि में लगातार याद आएगी किसी चीज की पुरुषार्थी जीवन में, तो अंत में जो फाइनल परीक्षा होगी उस फाइनल परीक्षा में अंत मते सो गते हो जाएगी। भारत में तो मान्यता है कि काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे और काशी के बाहर मरेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। तो जीते जी मरने की बात है, ये तीन बार चक्कर काटने की बात हो गई। अभी पुरुषार्थी जीवन में भी बहुत सी आत्माएं हैं, जब से अव्यक्तवाणी में बोला गया है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी है, तो उस नई दुनिया की पालना करने वाले माता पिता की तरफ उनकी बुद्धि जरूर जा रही होगी। बाकी कोई ऐसे भी होंगे जिनकी बुद्धि जगदम्बा की तरफ जा रही होगी, क्या किसकी तरफ जा रही होगी? जगदम्बा की तरफ जा रही होगी। वो सूर्यवंशी जो माँ है उसकी तरफ नहीं जा रही होगी, भक्ति मार्ग में मानते हैं कि शंकर की प्यारी नगरी दिल्ली नहीं है, बंबई नहीं है, कौन सी नगरी है? काशी नगरी, बहुत प्यारी नगरी है। और बताया आत्मा के अंदर प्रवेश करके उनकी बातें समझ लेना, जान लेना, ये बाबा के अंदर ही हो राज। मतलब क्या है? ये तो आज दिन तक सुना था, आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है,
लेकिन आत्मा के अंदर प्रवेश करके वो सब बातें जान लेना। शरीर में ज्ञान होता है, आत्मा में ज्ञान होता है। तो आत्मा की 84 जन्मों की गहराइयों में ज्ञान के आधार पर प्रवेश नहीं कर सकते है? नहीं कर सकते, कर सकते अंदर की बात अंदर रह जाती, यहाँ तक आती नहीं। सौ परसेंट पाठधारी जो है उसको संकल्प आता है। 100% पाठधारी, 100% पाठधारी तो हीरो पाठधारी है। अरे 100% जो पाठधारी आत्मा है वो अपने पार्ट को पहले पहचानेगी तब संकल्प खत्म होंगे या पहले ही खत्म हो जाएंगे? पहले 84 जन्मों के सारे ही जन्मों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक 84 जन्मों के पार्ट का पूरा ज्ञान नहीं है तब तक पार्टधारी बेवकूफ की लिस्ट में है या बुद्धिमान की लिस्ट में है? बेवकूफ है। पूरा पार्ट जानने के बाद अपनी सीट पकड़ लेगी। पूरा पार्ट जब जान जाएगी तो कोई चिंता ही भाई। हर आत्मा को ये अपनी इच्छा है कि हम किसी जन्म में दुखी, तो हमारे जन्म में कहाँ कहाँ कौन कौन से दुख हैं, कौन कौन से सुख हैं, ये जानने की इच्छा नहीं होगी पाठधारी को। कौन कौन जन्म जन्मांतर के दुश्मन हैं जो हमको और हमारे जन्म जन्मांतर के संबंधियों को, नजदीकियों को दुख देने वाले हैं, और कौन कौन सुख देने वाले हैं जन्म जन्मांतर, ये जानने की इच्छा नहीं होगी है? होती है ना इच्छा? भगवान को इच्छा नहीं होती है, लेकिन आत्माएं जो पार्टधारी हैं उनको तो इच्छा होनी चाहिए। तब तक होनी चाहिए जब तक सारे ही जन्मों के सारे पार्ट आत्मा में क्लियर न हो जाए। अपने संसार को पहचानना चाहिए कि नहीं पहचानना चाहिए? हर सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है, तो कौन से सितारे हैं? यही और हाँ, शंकर की गीताओं में 8 मलके बने हुए हैं, तो उसमें से जो पहला मलका आया वो तो शंकर ही है। मुझे तुम शंकर क्यों समझते हो? शंकर को तुमने भगवान समझने की भूल क्यों कर ली? तो कहा जाता ना, तुम कहा जाता, अरे दुनिया कहा जाता है, दुनिया तो बुद्धू है तुम्हारे मुकाबले, तो जो दुनिया कहेगी वो ही तुम कहोगे, जरूरी है? इसीलिए क्यों पूछे? आप बैठे हुए हैं बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन करके, तो ब्राह्मण बन करके पूछो दुनिया की बातें। दुनिया वाले ब्राह्मण थोड़े ही है, दुनिया वाले शंकर को भगवान मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं? मानते हैं। जब भगवान मानते हैं तो वो तो यही कहेंगे कि जो 8 रत्न है वो अलग है, भगवान अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे हम शंकर कहते हैं उसमें पार्ट बजाने वाला पार्टधारी, शंकर तो कोई पार्ट बजाता ही नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं याद करता है। याद कोई पार्ट थोड़े ही है कर्मेंद्रियों के द्वारा।
पाठ तो कर्म इंद्रियों से बजाया जाता है, तो उन कर्म इंद्रियों में प्रवेश होके पाठ कौन बजाता है? शिव बाप बजाते हैं। है तो कहाँ समझ रहे? इसीलिए तो कह रहे हैं वो कि शंकर के मस्तक के ऊपर जो आठ मणके रखे हैं, उन आठ मणकों में एक तो वो खुद ही है। सारा गड़बड़ कर दिया। हाँ, और आगे है? है और अरे पूछो ना, टाइम निकलता चला जा रहा है। कहते हैं कि डर लगता है पूछते, कहीं गड़बड़ कर दिया तो। बाबा, हर धर्म की राजाई स्थापना करने के निमित्त, राजाई स्थापना करने के निमित्त, हर धर्म की राजाई स्थापन करने के लिए निमित्त जो आत्मा 50,000 सूर्यवंशी है, वो पूरी की पूरी निमित्त बनती है क्या? कोई जरूरी नहीं। कोई किस धर्म के हैं, कोई किस धर्म के निमित्त विशेष हैं, और कोई किस धर्म के निमित्त विशेष। जो 50,000 हैं, वो 50,000 सारे के सारे पुरुष जन्म लेंगे राजाई स्थापन करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। लड़ाई से राजाई मिलती है ना द्वापर युग में। तो स्त्रियां जावेंगी या पुरुष जावेंगे? स्त्रियां जावेंगे। आप 50,000 सबको समेल लिया। अरे उनमें भी अलग अलग पार्टधारी है ना। कोई तो सन्यासियों को सपोर्ट करने वाले विशेष हैं, कोई इस्लामियों को सपोर्ट करने वाले विशेष हैं। तो जिस समय जिसका जो नंबर होगा वो ही जावेंगे। 50,000 पूरे नहीं जा सकते। और बाबा, प्रजापिता से प्यार तो प्रजापिता के परिवार से प्यार। अच्छा, तो इसकी निशानी क्या होगी कि हम परिवार, और कौन सा परिवार है प्रजापिता का? कौन सा परिवार? प्रजापिता का 500 करोड़ परिवार नहीं है, तीन दुनिया है ना बाबा। है तीन दुनिया है प्रजापिता। प्रजापिता की तीन दुनिया है। अरे प्रजापिता जो है वो पिता बीज को कहा जाता है ना, वो बीज रूप बाप 500 करोड़ का बाप नहीं है क्या? वसुधैव कुटुंबकम नहीं है क्या? तो अलग क्यों कर रहे हैं? अरे हर आत्मा से प्यार नहीं करना है? अरे विश्व कल्याणकारी विश्व का बाप कब कहा जाएगा? अगर विश्व की एक आत्मा से बैर है, उसे अलग कर दो तो विश्व कल्याणकारी हो जाएगा। फिर कहाँ हुआ विश्व कल्याणकारी? है हाँ लाई है, है? यार जी, दूर रह के प्यार होगा नजदीक से है? दूर रह के प्यार होगा कि मन मन बुद्धि से प्यार करना है? लास्ट में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की नई दुनिया तैयार हो जाएगी कि नहीं? कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जो कम से कम एक जन्म के लिए नई दुनिया सदगति में न जाता हो? है कोई? तो सारे ही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार बच्चे होंगे कि सब एक जैसे बच्चे होंगे? अंधेर नगरी अनभूज राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। महाभारत में जल की तरह जगह घर और धन की जगह जग बनाया गया। महाभारत में लाखा घर बनाया गया। जग जग नहीं बनाया है, जग नहीं हो रहा था है। जल की जगह पर थाल और थल की जगह घर बनाया गया। दुर्योधन को नजर आया पानी, लाखा घर थोड़ा ही बनाया गया, इंद्रप्रस्थ बनाया है। द्रौपदी बोली अंधे के औलाद अंधे ही होते। हाँ, क्या जरूरी था बोला द्रौपदी को? है
उसने बात झूठ तो नहीं बोली थी, आपको बुरा लग गया है? आप कौन से कुल के हैं? हैं? आप किस कुल को सपोर्ट कर रहे हैं बोलो? जर्मन को पानी समझ रख दिया तो फिर क्या हुआ? अरे पहले भी तो कई जगह धोखा खा गया था, ठोकरें खा रहा था ना। एक बार ठोकर खाने के बाद, धोखा खाने के बाद बार बार धोखा खाना चाहिए? तो जो बार बार धोखा खाते हैं उनको ही अंधे की औलाद अंधे कहा जाएगा? ये बात तो ठीक है कि ज्ञान की दृष्टि से कोई के साथ मजाक करना भी पाप बन जाता है छोटा मोटा, क्योंकि मजाक को न समझने वाला या मजाक को देह अभिमान में रह करके उठाने वाला उसे पाप ही समझेगा, दुखी होगा। नहीं तो मजाक की बात को मजाक में उठाना चाहिए, लेकिन देह अभिमानी का तो मजाक में कैसे समझे? हाँ जिसने माता पिता को जन्म दिया और उसके आके चले शनि महाराज के माता पिता की शनि महाराज शनि देव के माता पिता क्या हुए? अरे एक आदमी माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता के आके चले गए। अच्छा शनिदेव को जन्म दिया माता पिता ने तो माता पिता की आंखें चली गई। पूर्व जन्म के हिसाब किताब ऐसे होते हैं कि बच्चा पैदा होना खुशी की बात है या दुख की बात है। लेकिन कोई के जीवन में ऐसा भी होता है कि खुशी तो हुई, बच्चे की पैदाइश तो हुई, लेकिन बच्चा इतना विरोधी आत्मा है जन्म जन्मांतर की कि जैसे ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है वैसे ही माँ बाप अंधे हो जाते हैं, अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। अब जितने भी ग्रह हैं, सात ग्रह मुख्य है ना, उनको जन्म देने वाला बाप तो एक ही है। वो कभी अज्ञान अंधकार में डूबता होगा या नहीं डूबता होगा? डूबता है तो उसे डुबोने के निमित्त कोई तो बनेगा, वो ही है जो डुबोने के निमित्त बन जाता है, अंधा बनाए देता है। पृथ्वीराज चौहान जैसी आत्मा भी अंधी बन जाती है। ऐसे नहीं कि सूरदास के लिए ही गायन है। और बाबा मुरली में बोलते हैं कि बाबा को कंपिल में याद करना अच्छा है। बाबा मुरली में बोलते हैं कंपिल में मतलब याद करना बाबा, माने बाबा अपनी प्रत्यक्षता करते हैं। ये मतलब बाबा को पहली बार जहाँ कंपिल में देखा है बाबा, बाबा तो नहीं मुरली में कहते हैं कि कंपिल में याद करना अच्छा है। ऐसी बात तुम क्यों कहते? ऐसे नहीं कहना कि बाबा कहते हैं कि मुझे कंपिल में, हाँ कंपिल में नेहरू नगर के गंगा रोड में बने हुए मकान में याद करना, ऐसे बाबा कहते हैं। अगर ऐसे बाबा कहेंगे तो बाबा खुद अपना को अपने आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं या कोई दूसरा बच्चे प्रत्यक्ष कर रहे हैं? है अपने आप प्रत्यक्ष करने वाली बात हो गई, ऐसा दोषारोपण करते हैं। हाँ तुम्हें जहाँ अच्छा लगता हो, वैसे बाबा ने कहा मधुबन में याद करना अच्छा है, मधुबन में मुरलिया बाजे। अब कोई ने कोई मधुबन में देखा पहली बार
फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. तो पहली बार कोई ने बंबई में देखा तो पहला इम्प्रेशन पड़ गया ना आत्मा के ऊपर, तो वहां अच्छा लगेगा नहीं याद करने में है? याद करो, कहां मना है. मधुबन ये भी है तो मधुबन वो भी है. हाँ. अगर बाबा कुछ आत्माओं को ये पता है, ज्ञानी आत्माओं को, कि बाबा बंबई में आए हैं, तो वो अपनी बुद्धि से बंबई में बाबा को याद करे तो बेटर रहेगा या नहीं? अभी कोई आत्मा यहाँ पे आ नहीं सके संगठन में. अरे 20 बातों का एक ही जवाब दे दिया, मुझे मधुबन में याद करना है. नहीं, पहले जैसे मैंने कंपनी में बाबा को देखा था, उससे पहले अगर मैं इस संगठन में नहीं आ सका, मैं अभी घर पे ही हूँ, मुझे पता है कि बाबा बंबई में आ चुके हैं, तो मैं उसकी जगह यहाँ बंबई में याद करना अच्छा रहेगा या उस जगह याद करना अच्छा? जो बंबई में याद करेंगे वो आपने कल्पना की या आपके जीवन में प्रैक्टिकल हुआ है? कल्पना की. कल्पना की बात को स्मृति में लाना और अपने प्रैक्टिकल जीवन की प्रैक्टिकल में हुई बात को याद स्मृति में लाना, अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है. है? हाँ, जिसको जहाँ अच्छा लगता हो, लेकिन मधुबन में याद करना है. मधुबन में याद करना बाबा को अच्छा है. और संगठन में अटेंडेंस बहुत कमती होते जा रहा है. संगठन में अटेंडेंस बहुत कमती होते जा रहा है. अच्छा, देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं 5000 वर्ष के कल्प में द्वापर युग से जो पार्ट बजाती है उनकी संख्या कमती होती जाती है कि बढ़ती जाती है? तो क्या बड़ी बात हो गई? सेवा करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए. अच्छी बात है. जो बिछड़ गए हो उनको कलेक्ट करना, परिवार से जोड़ना, खराब बात कौन कहेगा? कोई खराब कहेगा? नहीं. पहले तो अपने घर की सेवा, परिवार की सेवा करनी है या बाहर वालों की सेवा करनी है? नियम क्या कहता है? नियम तो बाबा ने बता दिया. पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार. जो देह अभिमानी होंगे वो देह अभिमान के आधार पर सोचेंगे, जो आत्माभिमानी परमात्मा बाप के बच्चे बन गए उनका सोच कहाँ चलेगा? है, परमात्मा परिवार के प्रति उनका सोच ही चलेगा.